हेलो दोस्तों, तो एशियन शेयर टू अर्न वॉलेट का आपका जो $10 का अधिक बैलेंस है वो कैसे आप रिडीम कर सकते हो आपका पेटीएम और कोई भी बैंक अकाउंट पे, वो जानकारी के लिए ये वीडियो शुरू से एंड तक देख लेना। तो दोस्तों, मेरा चैनल पे इसका सच चल रही है अक्टूबर मंथ का स्पेशल गिवअवे, जिस गिवअवे में मैं दे रही है अप टू 20,000 रुपीज़ मेरा अप टू 10,000 सब्सक्राइबर के लिए। तो दोस्तों, पर सब्सक्राइबर अप टू 2 रुपीज़ मिल जाएगा। तो वो गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका यूट्यूब वीडियो का नीचे पर डिस्क्रिप्शन में मैं गिवअवे जो वीडियो है उसका लिंक दे दूंगा। उस पर जाकर आप वीडियो देखकर कमेंट कर लो आपका बैंक अकाउंट नंबर विद इन नेम, तो आपका मिल जाएगा 24 और मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर अप टू 2 रुपीज़ आपका अकाउंट पे। तो दोस्तों, गिवअवे में पार्टिसिपेट कर लो और ये वीडियो आप देखते रहो कैसे आप एसेंस से पेमेंट ले जाएगी लाइव प्रोसेस के साथ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। स्टार डी चैलेंजर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो रेड कलर को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर क्लिक कर दो सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हो एएसएन का इंटरफेस, ठीक है दोस्तों। तो आप स्क्रॉल कर लो, एकदम ऊपर में जो थ्री डॉट है, थ्री डॉट पे क्लिक कर लो। तो थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपका इस तरफ से ऑप्शन आ जाएगा, आप जस्ट पे आउट और विड्रॉल बटन पे क्लिक कर लो। तो पे आउट और विड्रॉल बटन पे क्लिक करने के बाद इस तरफ से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, वेट कर लो क्योंकि नेट स्लो है। तो दोस्तों, आप देख रहे हो इस तरफ से इंटरफेस तो मेरा ओपन हो गया। तो अवेलेबल बैलेंस पे अवेलेबल बैलेंस शो हो रही है। तो विड्रॉल अमाउंट पे आपका $10 है। तो एट फर्स्ट मैंने पेटीएम में कैसे आप रिडीम लगा सकते हो वो दिखा दूंगा, उसका बाद बैंक में कैसे रिडीम लगा सकते हो वो मैं दिखा दूंगा। तो दोस्तों, एकदम ऊपर में जो आपका बैलेंस है डॉलर सिंबल पे, उसका बाद विड्रॉल अमाउंट पे आपका अकाउंट में $10 है। तो $10 का रिडीम करने के लिए आपका पेटीएम में पेमेंट मिलेगा। तो $10 लिख लो विड्रॉल अमाउंट पे। उसका बाद आप देख लो TDS 0.5 कटेगा और SC जो है 1 कटेगा, $1। तो फाइनल अमाउंट पे आपका क्या आएगा, 8.5 आपका मिलेगा। तो योर एड्रेस इज सेम इन योर प्रोफाइल में जो टिक बॉक्स है उस पर क्लिक कर दो, चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपका कंट्री सिलेक्ट कर लो, इंडिया हो तो इंडिया और दूसरा कोई कंट्री का आप हो तो दूसरा कोई कंट्री आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद सिलेक्ट पेमेंट मेथड पे क्लिक कर लो। $10 आप सबमिट करेगी तो आपके पास इस तरफ से इंटरफेस आ जाएगा, वायर ट्रांसफर और बैंक ट्रांसफर, पेपल, पेटीएम, तेज और बिटकॉइन। और $10 से अधिक आप दे रही हो तो आपका पेटीएम की ऑप्शन नहीं आएगा। तो पेटीएम पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद इस तरफ से जो ऑप्शन आ जाएगा, फुल नेम पे आपका फुल नेम एंटर कर लो। उसका बाद पैन कार्ड को नॉन्ग जो है उस बॉक्स में पैन कार्ड, और उसका बाद आधार नॉन्ग पे आधार, और मोबाइल नंबर के जो ऑप्शन है उसका आपका जो पेटीएम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो देकर आप जो उसका नीच पे देख लो आपका जो यूज़र आईडी है, और उसका नीच पे जो ब्लैंक बॉक्स है योलिश कलर का उस पर मेरा पासवर्ड मैं सबमिट कर दिया। तो उस पर जाकर आप आपका पासवर्ड सबमिट कर लो, इस पर आपका जो पासवर्ड आप सबमिट कर लो। सबमिट करने के बाद आप जो इस तरफ से सबमिट बटन है इस पर क्लिक कर दो। तो इस पर क्लिक करने के बाद कौन सा पेज आ जाएगा आप देख लो। तो दोस्तों, सबमिट करने के बाद इस तरफ से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने तो बैंक में रिडीम कर दिया आपका, देखा दिया मैं लाइव पेटीएम में कैसे ले सकते हो, उसके बाद बैंक में कैसे ले सकते हो वो भी देखा दूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस तरफ से आपका अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद वो जो जो प्रोसेस मैंने देखा उससे क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरफ से इंटरफेस आ जाएगा और आपका अमाउंट रिडीम जो रिक्वेस्ट ले जाएगा इस तरफ से। उसका बाद जो नेक्स्ट मंथ का 25 से 31 अक्टूबर के अंदर आपका पेमेंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसका बाद मैं दिखा दूंगा आप कैसे बैंक में पेमेंट ले सकते हो। तो दोस्तों, उसका बाद पेमेंट रिक्वेस्ट और विड्रॉल बटन पे क्लिक करने के बाद इस तरफ से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये बैंक में कैसे आप ले सकते हो उसका जो लाइव प्रोसेस मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, विड्रॉल अमाउंट पे आप लिख लो $10 का अधिक कुछ अमाउंट, तो मैं $26.53 मेरे अकाउंट पे है तो वो लिख दिया। उसका बाद आपका क्या करना पड़ेगा आप देख लो। उसका बाद आपका जो TDS और SC कट कर योर एड्रेस इन सेम इन योर प्रोफाइल जो चेकबॉक्स है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपका कंट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा,
तो आप देख लो, इस तरफ से मैंने जो सिलेक्ट पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देता हूँ, इसके पेटीएम की ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ये टेंडलर के अधिक बैलेंस है। तो दोस्तों, इस तरफ से जो आपका बैंक में पेमेंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, वायर ट्रांसफ़र और बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करने पड़ेगा। अब दोस्तों, जो इंटरनेशनल एएसएन मेंबर है, दैट्स मीन बांग्लादेश का, तो उसका पेपल में आप ले सकते हो और कोई भी बिटकॉइन ऑप्शन सेलेक्ट करके आपका पेमेंट ले सकते हो। तो वायर ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद आपका क्या करना पड़ेगा, आप देख लो, फुल नेम ऑप्शन आ जाएगा। फुल नेम पर आपका फुल नेम सबमिट करने पड़ेगा, उसका बाद पैन कार्ड नंबर पे आपका पैन कार्ड नंबर सबमिट करना पड़ेगा, उसका बाद आधार नंबर जो बॉक्स है उस पर आधार नंबर, उसका बाद बैंक नेम, दैट्स मीन आपका बैंक का नेम, एसबीआई है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पेटीएम बैंक है तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, जो है जिस तरफ से बैंक है बैंक नेम पे उस तरफ से बैंक का नेम सबमिट करने पड़ेगा। उसका बाद है बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी नेम है जो आपका नाम और कोई भी जो बैंक अकाउंट आप दे रही हो इसके, उसका जिस बंदा के नाम से वो बैंक अकाउंट है उसका नाम। उसका बाद आप देख लो जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है ये है अकाउंट नंबर, ये दैट्स मीन ये है बैंक अकाउंट नंबर, ये बैंक अकाउंट नंबर आप सबमिट कर लो। उसका बाद आईएफएससी कोड, जो आपका बैंक अकाउंट का कोड होता है, वो आईएफएससी कोड आप अप्लाई कर लो। पेटीएम बैंक है तो आपका कोड है PYTM0123456, ये है पेटीएम बैंक का आईएफएससी कोड। उसका बाद ब्रांच, तो आप पेटीएम बैंक सेलेक्ट कर रही हो तो ब्रांच में लिख दो ऑल इंडिया, ठीक है दोस्तों। तो उसका बाद आपका जो यूज़र आईडी, और उसका बाद नीचे पे पासवर्ड सेक्शन पे आपका एएसएन का पासवर्ड देकर इस सबमिट बटन पे क्लिक करने पड़ेगा, और इस सबमिट बटन पे क्लिक करने बाद जो इंटरफेस आ जाएगा आप देख लो, तो वो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप पेमेंट हिस्ट्री पे जा सकते हो। पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद पेंडिंग पेमेंट्स पे क्लिक कर दो। पेंडिंग पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपका मेन जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा, कितना रिडीम लगाया, तो मैंने तो ऑलरेडी फर्स्ट टाइम ही रिडीम लगा दिया। तो अमाउंट देख लो, $26.53, डेडुकेशन TDS $1.33 एंड सर्विस चार्ज $2.65। तो विड्रॉल डेट आप देख लो, 01/10/2085 से 30 का अंदर ये पेमेंट मिल जाएगा। पेटीएम का रिडीम जल्दी से जल्दी आता है और बैंक का रिडीम कुछ देरी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये जो विड्रॉल जो सिस्टम लाइफ में आपका समझ लिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपका कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना, और चैनल पे न्यू है दोस्तों तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, मेरा चैनल में चल रहे गिवअवे, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर गिवअवे का वीडियो देखकर गिवअवे में पार्टिसिपेट कर लो, उस तरफ से आप कुछ ना कुछ अमाउंट तो पा जाओगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगला वीडियो में कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड ऑफर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहो, थैंक यू दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।